हेलो इंजीनियर्स, सिविल गुरुजी लाए हैं आपके लिए प्रोफेशनल इंटर्नशिप फॉर सिविल इंजीनियर्स। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कॉलम का रेनफोर्समेंट कैसे चेक करें और उसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जो कि सिविल गुरुजी के 2 महीने के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का पार्ट भी है। तो हम आए हुए हैं साइट विजिट और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में। यदि आपको भी 2 महीने की ऑफलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो बोर्ड लाइन नंबर पर कॉल करके आप टीम से बात करके ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें कॉलम के लिए, तो यहां पर जो हमारे पास साइट पर रेनफोर्समेंट अवेलेबल है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये यहां पर हमारा 550D ग्रेड का रेनफोर्समेंट अवेलेबल है, जिसका डाया है 25 mm। यदि आपको साइट पर चेक करना है कि डाया कैसा है, तो मैं बताऊंगा आपको कि हमेशा रेनफोर्समेंट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि 25 mm का डाया लिखा हुआ है और इसका ग्रेड क्या लिखा हुआ है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। जो कि हमारे दिए गए कॉलम में 4 नंबर ऑफ बार लग रहे हैं 25 mm डाया के। और इसी के साथ साथ जो हमारा नेक्स्ट रेनफोर्समेंट है वो 20 mm डाया का रेनफोर्समेंट है, ये भी 550 ग्रेड का रेनफोर्समेंट है और इस रेनफोर्समेंट को भी कॉलम में लगाया गया है। तो जैसे ही हमारे पास रेनफोर्समेंट अवेलेबल हो जाता है, अब हमको ये चेक करना होता है कि भैया जहां पर भी कॉलम लग रहा है उसमें कौन कौन से रेनफोर्समेंट को चेक करें। तो इंजीनियर्स, अब हम आ चुके हैं हमारे कॉलम के पास। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर 400x250 का हमारे पास कॉलम अवेलेबल है और इस कॉलम में जैसे कि मैंने आपको बताया था 4 रेनफोर्समेंट, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये रेनफोर्समेंट 25 mm डाया के है। और उसके बाद यहाँ पर 2 बीच में 2 इधर और 1 सेंटर पे, ये टोटल 6 डाया हमारे 20 mm डायमीटर के। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि जो भी रेनफोर्समेंट को कवर कर रहे होते हैं आपके स्टीरअप्स, इसका स्पेसिंग बराबर है कि नहीं। जैसे कि हमारे यहाँ पर कॉलम में स्पेसिंग दिया हुआ है 150 mm का, तो हर एक रेनफोर्समेंट जो भी स्टीरअप्स यहाँ पर टाइप किया गया है उसका स्पेसिंग आपको प्रॉपर रखना है, आपको चेक करना है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कॉलम के केस में, वो है लैब की। लैब कहाँ पर देना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से लैब प्रोवाइड किया गया, इसके बेसिक रूल्स को समझ रहा है। यहाँ पर आपकी आई होगी बीम, ठीक है, यहाँ पर आपकी बीम आई होगी। अब बीम के जंक्शन में कभी भी लैब नहीं दिया जाता, बीम के जंक्शन से L/4 डिस्टेंस छोड़ के, जैसे कि आपको दिख रहा है सारे के सारे रेनफोर्समेंट यहाँ पर कटे हुए हैं, यहाँ पर एक लैब आया है और इस लैब की जो वैल्यू है आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो लैब की वैल्यू है ये प्रॉपर 50D मेंटेन करके रखी हुई है और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा 50D प्रॉपर लैब मेंटेन किया गया और जैसे यहाँ पर लैब खत्म हो रहा है यहाँ पर जॉगल दिया गया है, जो कि 1:6 के रेशियो में रहना चाहिए जब भी ये जॉगल मारा जाता है। और ठीक इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं कि सारे लैब एक जगह पर नहीं दिए गए, ऑल्टरनेट लैब दिए गए। देखिए यहाँ पर एक लैब इधर है तो एक लैब इधर है, फिर एक लैब इधर है, यहाँ पर ऑल्टरनेट लैब दिए गए और सारे रेनफोर्समेंट एक ही जगह पर नहीं कटे हैं, कुछ रेनफोर्समेंट उधर ऊपर जाकर के कटे हुए। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉलम रेनफोर्समेंट को चेक करने के लिए जब भी आप साइट पर आते हैं। तो यही सारी चीजें जो आप देख रहे हैं हमारे इंजीनियर्स हमारे साथ सीखते हैं 2 महीने के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में। यदि आपको भी ये सारी स्किल सीखनी है और 65% फीस प्लेसमेंट के बाद पे कर रहा है, तो अभी ये बोर्ड लाइन नंबर दिख रहा है 9111001234 पे कॉल करके टीम से बात कर सकते हैं। सो इंजीनियर्स, कॉलम के बाद अगला इससे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसका अलाइनमेंट। जब भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर शटरिंग लगी हुई है, तो शटरिंग से पहले आपको इसका प्रॉपर अलाइनमेंट चेक करना होता है कि कॉलम का जो भी अलाइनमेंट है वो प्रॉपर वर्टिकल है या नहीं। जैसे ही आप ये चेक कर लेते हैं फिर उसके बाद आप शटरिंग का काम करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर कॉन्क्रीटिंग की जाती है। सो इंजीनियर्स, यदि आपको इसी तरह का हर एक नॉलेज चाहिए साइट से रिलेटेड, तो बने रहिएगा सिविल गुरुजी के चैनल के साथ। लाइक कीजिए यदि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए, नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आगे की वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। और हाँ, यदि आप प्रोफेशनल इंटर्नशिप या फिर 2 महीने की ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो बोर्ड लाइन नंबर पर फोन करके कॉल जरूर करिए, टीम से बात करिए, क्योंकि हम वहां पर एस्टिमेशन, बार बेंडिंग शेड्यूल, क्वांटिटी सर्वे रेट एनालिसिस, बिलिंग, QSRA और ऑटो कैट जैसे एडवांस स्किल सिखाते हैं आपको, जो आपके करियर के आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचाता है जिसके आप रियल में हकदार है। सो इंजीनियर्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।